प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में हर वक्त यह आशंका बनी रहती है कि वो कब किस पाले में चले जाएंगे। अभी नीतीश 6 दलों के महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नीतीश की पाला बदल राजनीति साल 2015 से जारी है। जनता दल से अलग होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाई थी। यह सिलसिला 2013 तक जारी रहा। बीजेपी से जब गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का फैसला लिया तो नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। किसी तरह उनकी सरकार तो बची रही, लेकिन 2014 में उन्होंने एनडीए के खिलाफ अकेले अपनी ताकत आजमाई। अफसोस कि उन्हें अपनी औकात का पता चल गया और सिर्फ 2 सीटों पर मिली कामयाबी से ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। क्योंकि नीतीश एनडीए छोड़ चुके थे, इसलिए 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होना मुनासिब समझा। उन्हें और उनके महागठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली। भाजपा अलग थलग पड़ गई, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन 2 साल पूरा होने से पहले ही नीतीश को आरजेडी के साथ अपने संबंधों का निर्वहन भारी लगने लगा। वो बहाने तलाश ही रहे थे कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम आ गया। मौका मिलते ही नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी है। चर्चा यह होती है कि नीतीश ने आरजेडी से गुप्त समझौता किया है। समझौते के मुताबिक वे राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव संभालेंगे। चर्चा तो यह भी हो रही है कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम पद के दावेदार होंगे। असलियत अब तक उजागर नहीं हो पाई कि आरजेडी से उनकी क्या डील हुई, लेकिन इसी को आधार बनाकर नीतीश के बड़े सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से किनारा कर लिया। नीतीश पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाने के काम में सबसे आगे रहे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र विधायक सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे, उनकी व्यक्तिगत आलोचना करते रहे। नीतीश की आलोचना के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनकी तिलमिलाहट के लिए पर्याप्त थे। नीतीश ने उन पर कार्रवाई की जवाबदेही आरजेडी पर छोड़ दी। नीतीश कुमार के मन में शायद यह बात रही होगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री की दावेदारी भले छोड़ दी है, लेकिन हो सकता है कि अवसर आने पर उनकी लॉटरी लग जाए। जिस तरह कम सीटों के बावजूद भाजपा ने मान मनोवल कर उन्हें सीएम पद की कुर्सी सौंप दी थी, विपक्षी एकता के लिए वे दर दर भागते दौड़ते रहे, लोगों को जुटा भी लिया। लेकिन बाद में विपक्षी दलों की हुई बैठकों में नीतीश कुमार को किनारे करने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी। बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जो उन्हें पटना बैठक के दौरान या उससे पहले मिली थी। नीतीश कुमार को अगर सच में आरजेडी या विपक्षी गठबंधन से अब चिढ़ हो गई है तो वो यकीनन पिंड छुड़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि उनकी कुर्सी सलामत रहे। हालांकि उनके बोल बयान या विचार से अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनका विचार क्या है, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि नीतीश किसी से पिंड छुड़ाने के लिए अनुकूल अवसर की तलाश में रहते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई ने जब पहली बार 2017 में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शामिल किया था तो नीतीश ने इसे ही महागठबंधन छोड़ने का बहाना बनाया था। अब तो तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है। संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। नीतीश के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। भाजपा से नीतीश की नज़दीकी भी इस दौरान बढ़ी है। नीतीश कुमार विपक्ष की परवाह किए बगैर G20 समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी से अनबन के बावजूद वो उनके साथ हंसते बतियाते और अमेरिका के राष्ट्रपति
जो बाइडेन से मुलाकात करते दिखे, अगर नीतीश सच में महागठबंधन से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाजपा में नीतीश के लिए दरवाजे बंद होने की बात कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उन्हें पानी की तरह साफ और आरजेडी को पानी गंदा करने वाला तेल बता रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि तेल को पानी के साथ मिलावट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पानी गंदा हो जाता है। यानी नीतीश के प्रति अब भाजपा में भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लगा है। नीतीश अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो बिहार में सीएम की उनकी कुर्सी सलामत रहने की गारंटी है। अगर केंद्र में अगली बार एनडीए की फिर सरकार बनी, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो नीतीश कुमार को राज्यपाल या उपराष्ट्रपति जैसा पद भी भाजपा दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।